बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी के देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को राजा अतीक की तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, खजूर एक जन्नती फल है। अल्लाह करीम ने जब इंसान को ज़मीन पर आबाद किया तो इस जन्नती फल का तोहफा भी इंसानों के लिए ज़मीन पर भेजा और इसके लातादाद जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल कर सके। आज दोस्तों, खजूर के शरबत का एक ऐसा लाजवाब नुस्खा आप दोस्तों से शेयर करूँगा कि जो जिगर और मसाने की गर्मी का लाजवाब इलाज है, दिल को और दिमाग को इंतहाई ताकतवर बनाता है और उनको ठंडा रखता है। दोस्तों, उनकी हरारत और उनकी गर्मी को कंट्रोल करता है। औरतों और मर्दों के पोशीदा अमराज में भी अहम किरदार अदा करता है। हाथ और पाँव की जलन को भी दोस्तों वो ख़त्म करता है। और ये शरबत दोस्तों ख़ास तौर पर खून की कमी को दूर करके हमारी कुव्वत में बेपनाह इजाफा करता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नए दोस्तों से कहूंगा, या जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। ये दोस्तों खजूर का शरबत आप घर पर निहायत आसानी से तैयार कर सकते हैं। रात को सोने से पहले दोस्तों एक गिलास पानी में अच्छे वाली पकी हुई 4 से 5 खजूरें धो के आपने डाल देनी है और ग्लास को अच्छी तरह ढाम दें। सुबह दोस्तों उन खजूरों को उसी पानी के अंदर हाथों से अच्छी तरह मसल के मिक्स करना है ताकि उन खजूरों का जूस और रेशे उस पानी में शामिल हो जाएं। खजूर की गुठलियों को दोस्तों बाहर निकाल दें और चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करके नहार मुंह इस शरबत को पीने का मामूल बना लें। अगर दोस्तों यही शरबत आप 40 दिन तक इस्तेमाल करते हैं तो अपनी सेहत में आप वाज़ेह तौर पर तब्दीली देखेंगे। इस शरबत को दोस्तों आप सारा साल गिज़ा के तौर पे जारी रख सकते हैं। खसूसी तौर पे दोस्तों गर्मियों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, गर्मी जो क्रिएट करती है, इस शरबत को गर्मी में हर सूरत इस्तेमाल कीजिएगा ताकि गर्मी के बहुत से मसाइल से आप बचे रहेंगे। दोस्तों, इस खजूर के सादा लेकिन बहुत ताकतवर शरबत को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि अल्लाह की मखलूक इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सके और आप भी उनसे दुआएँ समेट सकें। अब चाहूंगा इजाजत। अल्लाह निगेबान।